अच्छा जिशान मोटर्स यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपकी खिदमत में लेकर आ गए हैं जी सुजुकी मैरान और एक और गाड़ी है। पिछली गाड़ी का क्या नाम है, कौन सी थी? निसान की आई थिंक गालबन है, लेकिन दोनों का मैं रिव्यू करूंगा आपके साथ शेयर करूंगा। पहले सुजुकी मैरान आपके साथ शेयर करते हैं। मॉडल कौन सा है सर? 2009 मॉडल है, इस्लामाबाद का नंबर है। और इसका ये बताएं शावर है बाहर से क्या सीन है? विदाउट 14 ये वाला शावर है, ये क्यों शावर है? ये स्क्रैचेस की वजह से। अच्छा लकीरें वगैरह हैं बच्चों ने, ABCD। इसका सर बानेट खोलिएगा, बच्चे कुछ इंग्लिश वगैरह इधर लिखते रहे जी। और इस्लामाबाद का नंबर है। अच्छा कोई लेता है आपसे भाई, तकरीबन क्या काम करवाना पड़ेगा उसे, कुछ मैकेनिकल कुछ सर, सही सच्ची बता दें। सच्ची बात करूँगा मैं, झूठ नहीं बोलूँगा, कोई नहीं, बिल्कुल ड्राइव है, कोई मसला भी नहीं है गाड़ी का। लें और चलाएँ, बस लें और चलाएँ, कुछ हल्का फल्का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मेरी फैमिली यूज़ में है गाड़ी, फैमिली यूज़ में चली हुई तकरीबन, कोई आइडिया या पुराना मॉडल? 1,50,000 क्योंकि इसका वो मीटर जीरो हो जाता है ना 1,00,000 के बाद, अभी 55,000। अच्छा अभी 55 है, ठीक है जी। और टायरों की क्या अपडेट है जी? टायर बिल्कुल नए, कब तक कब के टायर हैं? फ्लेक्सिबल डनलॉप के अच्छे वाले टायर हैं। कब चेंज किए हैं, कितने परस हो गए? फ्रेश लग रहे हैं वैसे, 6 महीने हो गए हैं। और इतनी चलाते वगैरह नहीं हैं क्या चीज़? इतने मतलब यूज़ नहीं करते, बगाते वगैरह नहीं जाने के लिए, उनके लिए? अच्छा घर ही इस्तेमाल के लिए। डिग्गी खोलिएगा, मज़ीद डिटेल लेते हैं जी। और जो भी है सीलों में, तो फिर बच्चे फिर आप दे रहे हैं तो बच्चे फिर किस पे जाएंगे? बच्चों के लिए अभी गाड़ी। अच्छा एक और लेनी है, चेंज करना चाह रहे हैं, ये क्या सिस्टम है जी? ये ऐप लगा हुआ है, कैनवोड के स्पीकर 718 वाले अच्छे लगे हुए हैं। अच्छा स्पीकर वगैरह साउंड सिस्टम मुकम्मल है इसका, ये फ्रेश नज़र आएगा जब कहीं? अच्छा ठीक है जी। टायर एक्स्ट्रा भी पड़ा हुआ है और टेप वगैरह अभी ओके वर्किंग में। साउंड सिस्टम अगर कोई लेता है साथ देंगे? साथ ये तो साथ ही जाएगा। अच्छा साथ जाएगा, ठीक हो गया जी, उतारना चाहिए ठीक हो गया। अच्छा और बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ओके। इधर से भी गाड़ी की हालत चेक करते हैं। और सुजुकी मैरान के लवर, गाड़ी तो बिल्कुल ज़बरदस्त है जी, ज़बरदस्त मतलब और ही ज़बरदस्त है। अच्छा इसके डॉक्यूमेंट क्लियर मिलेंगे? बिल्कुल डॉक्यूमेंट मिलेंगे 100%। ये इस तरह की फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। मॉडल कौन सा? 14 2009 मॉडल। अच्छा फर्स्ट ओनर गाड़ी है और 10 दिन पहले ही हमारे नाम पे ट्रांसफर हुई है। 10 दिन पहले आपके नाम पे ट्रांसफर हुई है, अभी तकरीबन 10 दिन और लगेंगे इसका कार्ड आ जाएगा। 10 दिन और लगेंगे कार्ड आ जाएगा, कार्ड आ जाएगा, इसकी नंबर प्लेट्स आ जाएंगी। अच्छा नंबर प्लेट्स और ये इसका सब कुछ आ जाएगा। नंबर प्लेट इसकी ओरिजिनल नहीं है? ये इसकी नंबर प्लेट नहीं है? नहीं नहीं ये तो वैसे बनी हुई है। अच्छा जो ओरिजिनल होती है वो आप आ जाएगी, वो अप्लाई करती हूँ वो आ जाएगी। 10 दिन तक लग जाएंगे, 15 दिन का टाइम देते हैं कार्ड का, अभी 10 दिन हो गया, 5 दिन रहते हैं लेकिन वैसे भी। अच्छा 10 दिन। अब ये बताएं डॉक्यूमेंट के बारे से भी आपने बता दिया है, कोई काम वगैरह नहीं है वो भी आपने बता दिया। एक होती है डिमांड और एक होता है बिल्कुल होता है लास्ट फाइनल, लास्ट फाइनल मतलब लास्ट ही फाइनल, लास्ट फाइनल। मैं एक बात, एक किसी को बंदा फाइनल कहे ना उसके बाद भी एक और फाइनल होता है, लास्ट फाइनल होता है, एक डेड फाइनल। हाँ वो डेड फाइनल मेरा 8,10,000। 8-10? और इधर वैसे कोई पूछता है डिमांड कितनी कर रहे हैं बाज़ार में? सर बाज़ार में इसी टाइप की चीज़ का 2009 मॉडल का जो डिमांड कर रहे हैं ना लोग, वो 8.5+ में कर रहे हैं, 9 में भी। आप इधर कितनी कर रहे हैं वैसे? मैं 8.30 कर रहा हूँ डिमांड, 8.30 कर रहे हैं और 8-10 फुल फाइनल इंशाल्लाह। 8-10 वाला बंदा मौके पर आ जाता है, उसे पसंद आती है, मौके पर भी थोड़ा बहुत खाना पीना किराया वगैरह छोड़ देंगे सर, देखें इंशाल्लाह हो जाएगा। तो आएँगे जो आएगा वो अपना नसीब खुद लाएगा। अच्छा मतलब मसला नहीं, वो तो हमारे हम हाजिर हैं, मतलब वो लास्ट कितने का क्या जेन बनाए, 750 से ऊपर का और 8 के? सर 750 तो बहुत ही हो जाता है, लेकिन क्योंकि मैं आपको बात बताऊं कि मेरा डेड फाइनल जो है 8-10 मैंने रखा हुआ है, लेकिन अगर खाना पीना छोड़ा तो 8 आखिरी हैं। हाँ फिर कर लेंगे चलें, और भी शायद हो जाए, मौके की बात है। चैनल के जरिए जो भी आया वो बताइएगा, मैं चैनल के जरिए आया हूँ और ये मेहरबानी करेंगे। रातन और बताएँ 0303 0303 0303 0303 0303 7373 7373। लोकेशन पिंडी? लोकेशन बैरिया टाउन पे है, रावलपिंडी। रावलपिंडी ही का एरिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अगली गाड़ी देखते हैं जी, ये वाली है जी, कौन सा मॉडल है जी? निशान की है, निशान सनी 93 मॉडल। आए ना सर बाहर आए ना, निसान सनी 93 मॉडल है। शेप इसकी एक झलक होंडा की भी लगती है, लेकिन वो एक झलक ही लगती है, मतलब गौर से देखें तो। फिर निसान एस ई सलून, वाह
ऐसी सलून हाँ निसान कंपनी की या टोयोटा की? निसान नहीं किया क्योंकि टैग मुख्तलिफ लगे रहते हैं। सर इसका बानर खोलिएगा, डिटेल लेते हैं जी इस गाड़ी की मजीद के ये क्या कह रहे हैं। अच्छा ये बताएं मॉडल कौन सा बता रहे थे? 93 मॉडल है। तो शावर है या जेन्युइन है या क्या सीन है कुछ गाड़ी के वाले? मुकम्मल अंदर से? अंदर से तो जेन्युइन है और बाहर सारा अंदर से जेन्युइन है, बाहर मुकम्मल शावर है। और ये अजी निसान एस ई सलून, निसान सनी भी हो सकती है, निसान सनी है। 1300 cc इंजन लगा हुआ अपना निसान का। कोई ले तकरीबन क्या काम करवाना पड़ेगा जी? ले तो इसमें बस सिर्फ एक शाख बदलना होगा, इस साइड वाला इस साइड वाला शाख बदलना होगा जी। और कोई मैकेनिकल कुछ ऐसा वैसा? और कुछ भी नहीं है, बस ब्रेक में थोड़ा सा वो है मामूली, ब्रेक में थोड़ा मसला करता है। अच्छा मैकेनिकल जी सिर्फ दो बातें हैं या कोई और भी आपके जहन में आ रहा है कुछ बता दें? अच्छा आपने अपने लिए एक साल आपके साथ, आप गैस भी चला रहे हैं या पेट्रोल पे? मैं सीएनजी भी चला रहता हूं। अच्छा सीएनजी पे चला रहे हैं। तो पेट्रोल सीएनजी कितनी एवरेज दे रही है वैसे? पेट्रोल जब पेट्रोल चलाते हो तो फिर एवरेज तकरीबन 17 किलोमीटर देता है और सीएनजी में तो बहुत ज़्यादा देता है। नंबर इसका लाहौर का है। अच्छा डॉक्यूमेंट क्लियर मिलेंगे? अच्छा अंदर से गाड़ी देखते हैं जी। टायर को की क्या अपडेट है जी, कितने परसेंट होंगे तकरीबन? टायरों की अपडेट क्या, कितने परसेंट होंगे, चेंज करने पड़ेंगे या कुछ टाइम निकाल लेंगे? चार पाँच महीने आराम से निकाल देंगे जी। इसकी पिछली डिग्गी भी खोलिएगा, वहाँ से भी चेक करते हैं। और काफ़ी गाड़ियाँ भी मौजूद हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा जी। और निसान SE अच्छा जी आपने खुद लगवाई थी, ओरिजिनल तो नहीं है ना? क्या ये 20? हाँ नहीं अब मैंने लगाई है। आपने खुद इस पे खर्चा मर्चा किया है? हाँ, मतलब संभाल के शौक से रखी हुई थी? बिल्कुल। अच्छा ठीक होगा जी, अंदर इसमें ये नहीं चाहिए तो बाद में लगाया। अच्छा बाद में खुद लगवाया है, ठीक हो गया जी। और अंदर से गाड़ी अब देख करते हैं जी, अंदर से हालात इसके जो हैंडल वगैरह हैं वो भी आप नोट कर लें, स्टाइलिश टाइप हैं। इधर से मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ ये लुक बन रही है जी गाड़ी की। और पावर विंडो हैं, फ्रंट में पावर विंडो हैं और पीछे जो हैं उधर भी पावर विंडो हैं। हाँ जी उधर भी पावर विंडो हैं। डैशबोर्ड की जो है वो इधर से आप चेक कर सकते हैं जी। ये चीज़ कुछ भाई ने मॉडिफिकेशन करवाई हुई है, टेप वगैरह ऊपर नीचे की हुई है। और अब पूछते हैं इससे भाई से फुल फाइनल कितना है इसका डैशबोर्ड वगैरह। अपना है जी बोर्ड अपना है? हाँ। ये क्यों थोड़ा डैमेज वगैरह हुआ है, वो टेप शेप निकाली? मैं ख्याल असल में नहीं रखता हूँ इतना, बस मैं दौड़ाता हूँ इसको, दौड़ाते हैं, रफ इस्तेमाल करते हैं। और इसके जो शीशे वगैरह पे ये बस थोड़ा सा लगा था। अच्छा ये थोड़ा सा लगा था, कुछ ज़्यादा टचिंग या एक्सीडेंट कोई जो अंदर तक गहराई तक जाती हो वो तो नहीं है? बस सिर्फ ये मेन एक्सीडेंट यही है बस, ये शीशा। ये आपके साथ आपके पास हुआ था जो पहले का था? ये मेरे साथ आपके पास हुआ था। अच्छा एक तो ये बताएं, एक तो होती है ना डिमांड, एक होता है बिल्कुल आखिरी फाइनल डेड फाइनल, मतलब वन जो बंदा बैठ जाता है दोनों, वो लोकेशन वो चीज़ बनती है जो वो बताएं। क्योंकि जो चैनल पर देखते हैं वो कहते हैं आखिरी पूछा करें, अगर हमारा जहन बनता है तब आपसे रबता करें। इसका फाइनली मैं 580 कम बताए ना, थोड़ा 570 580 570 कह रहे हैं ऊपर मुझे पड़ा है मौके पे, 5 से ऊपर वाला और 5.5 से नीचे वाला। नहीं नहीं उसमें वो 5.5 से नीचे तो बिल्कुल 1 रुपये भी नहीं होगा। 5.5 से नीचे नहीं? नहीं नहीं 5 से ऊपर मतलब समझ लें, और 5.5 से चाहे 1 रुपया कम हो लेकिन 5 से ऊपर ऊपर हो जाएगा? नहीं नहीं 5.5 से बिल्कुल 5.5 फुल फाइनल मतलब आप कह रहे हैं? बिल्कुल फाइनल है 5.5 वाला सत्तर तो बिल्कुल मेरा अपना जहन था। 5.5 वाला बंदा आ जाता है आपके पास तो मौके पे खाना पीना छोड़ देंगे, थोड़ा किराया वगैरह छोड़ देंगे? 5.5 खाना पीना या खुद खिला देंगे? हैं खाना पीना तो मैं ऐसे ही करवाऊंगा। रात नंबर बताएं 0300
2102 2102 2141 2187 और लोकेशन आपकी? लोकेशन पिंडी है जा? नहीं नहीं जिला चरसद्दा है मेरा। चरसद्दा से हैं और इसका नंबर इधर भी मैं मिलता हूँ, इधर पिंडी है। अच्छा, मतलब आपसे राब्ता कर लें जिधर किधर भी हो सकते हैं। ठीक होगा जी, जल्दी इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।